नमस्कार, मैं हूं अविनाश। न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश खास खबर में आपका स्वागत है। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के निशाने पे किस तरह से संग आया है। कांग्रेस राज में सब कुछ बदला जाने वाला है लगता है। पहले सरकारी योजनाओं का नाम बदला, फिर वंदे मातरम को नया रूप दिया और अब सरकार संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने का मन बना चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी फाइल सीएम कमलनाथ के पास भेजी है। खबर है कि सरकारी जमीन पर लगने वाली संघ की शाखाओं पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। इस मामले में सरकार का कोई फरमान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन राजनीति जरूर गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव से मनमोहन सिंह तक सब लोगों ने संघ की शाखा बंद करने की कोशिश की। राजनीतिक झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से है, हमसे दो दो हाथ करो, लेकिन जो भारत के वैभव की बात करते हो, जो देश के महापुरुषों का स्मरण कराते हो, ऐसा राष्ट्र का स्मरण करने वाली संस्था पर शाखाओं पर प्रतिबंध लगाना सबसे कहा जाए तो अपरिपक्व राजनीतिक निर्णय होगा। संघ की शाखा मैदान में लगती थी, लगती है और लगती रहेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा का साफ साफ कहना है कि यदि कोई राजनीतिक विद्वेष है तो भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ किए जाएं, लेकिन संघ पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है सरकार द्वारा, वो ठीक नहीं है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी के पास। राजेश जी, पहले नाम बदले गए विभागों के, योजनाओं के नाम बदले गए, फिर वंदे मातरम पर रोक लगाई, फिर नए स्वरूप में इसको शुरू किया, अब संघ की शाखाओं पर निशाना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अविनाश जी, जिस तरह से देखा जाए, आज इस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं। ये मामला तभी से गरमाया हुआ था अविनाश जी, जब कांग्रेस चुनाव के पहले अपना वचन पत्र मैनिफेस्टो उसने जारी किया था। उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो सरकारी जमीन पर या सरकारी स्थानों पर जो संघ की शाखाएं लगती हैं उनको वो बंद करेगी। कांग्रेस सत्ता में आई और उसको लेकर तमाम तरह के बयानबाजी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष की तरफ से हुई जी, स्वयं सीएम कमलनाथ ने इसको लेकर साफ कहा कि ऐसी शाखाएं जो सरकारी भवनों में लगती हैं, आसपास लगती हैं, सरकारी जमीन पर लगती हैं, उनको बंद किया जाएगा। और ऐसा ही स्वर उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के जो बयान आए उसमें भी ऐसी ही बातें निकल कर आई हैं। अभी मामला एक बार फिर गर्माया हुआ है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी फाइल मंत्रालय भेज दी है। अब फाइल सीएम कमलनाथ इस फाइल को देखेंगे और उसके बाद जैसे ही इस फाइल पर सीएम कमलनाथ के दस्तखत होते हैं उसके बाद ये तय पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा कि जिस जहां कहीं भी जो संघ की शाखाएं हैं वो सरकारी भवनों या सरकारी भवनों के आसपास जो जमीन है सरकारी उस पे लगाई जाती है तो उस पे प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उसको बैन कर देगी। और यही मामला लगातार गर्माया हुआ है। बीजेपी इसको लेकर लगातार सख्त तेवर अपनाए हुए हैं, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या फिर आज बीजेपी विधायक ने जिस तरह का बयान दिया है उसकी हम बात करें, लेकिन निश्चित तौर पर अविनाश जी तय है कि जैसे ही ये आदेश अब जो कमलनाथ की तरफ से आएगा इसको लेकर जो सियासत है निश्चित तौर पर प्रदेश में गरमाएगी, क्योंकि बीजेपी साफ कह चुकी है कि अगर ऐसा होता है तो वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि फाइल बनकर तैयार हो चुकी है इससे ये बिल्कुल तय है कि सारा कुछ सीएम कमलनाथ ने जो कुछ कहा था या जो कुछ कांग्रेस के वचन पत्र में था उसके तय मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। तो जल्द ही ये माना जा सकता है कि इसको लेकर रोक लगाने को लेकर सरकारी फरमान जारी कर दिया जाएगा, लेकिन तब देखना होगा कि किस तरह की सियासत या राजनीति इस पूरे मामले को गरमाती है। राजेश जी, एक बात और है कि चुनावी साल है, कुछ ही वक्त बचा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे मौके पर जब चुनावी बिसात बिछाई जाती हैं तो
जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार की नाकामयाबियां जो है वो विपक्ष उठाता है और विपक्ष सरकार भी जो है अपनी उपलब्धियां गिनाती, ये सब तो हो नहीं रहा, लेकिन एक दूसरे पर इस तरीके से जो है वार किए जा रहे हैं, पलटवार किए जा रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी जो हैं वो सीबीआई से और उनकी ठनी हुई है, तो वो एक राजनीति में एक नया सियासी उबाल उन्होंने ला दिया है। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ संघ की शाखाओं पर जो है प्रतिबंध लगाकर जो है एक नई दिशा में राजनीति को मध्य प्रदेश की ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अवनाथ जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसको इस बात से समझना चाहिए कि कांग्रेस प्रदेश में 15 साल सत्ता से बाहर रही जी, तमाम तरह की कशक, तमाम तरह के मन के भीतर जो चीजें दबी रही हैं अविनाश जी, कहीं ना कहीं अब सरकार में आने के बाद वो सारी चीजें उभर कर सामने आ रही हैं, और यही कारण है कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का कि जनता की बात नहीं है, विकास की बात नहीं है, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो आपसी जिस तरह से विद्वेष देखा जा रहा है, और आते साथ ही जिस तरह, चाहे हम प्रशासनिक सर्जरी की हम बात करें अविनाश जी, चाहे हम कई विभागों में फेरबदल की हम बात करें, योजनाओं के नाम बदलने या उसके स्वरूप को बदलने की अगर हम बात करें, तमाम सारी चीजें सियासत में मध्य प्रदेश की तैरती हुई नजर आ रही हैं, और यही कुछ जिस मामले की बात या जिसका जिक्र हम आज इस कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं, उसमें भी यही है कि संघ की शाखाओं को प्रतिबंधित करना, सरकारी जमीन या सरकारी भवनों में जो इसका संचालन हो रहा था, कहीं ना कहीं एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चूंकि लगातार संघ पर, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो, तमाम आरोप प्रत्यारोप संघ पर लगते आए हैं, और यही कारण है कि सबसे पहले संघ को ही उन्होंने अपने वचन पत्र में शामिल किया, और अब उसको लेकर जिस तरह से फाइल चल पड़ी है मंत्रालय में, और इसको लेकर अब किसी भी दिन फरमान भी आ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले को लेकर जो सियासत या राजनीति है या आपसी टकराव है वो जरूर देखने को अपना राजनीति में मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश जी, ये जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, संघ की जो सरकारी जमीन पर यदि कहीं संघ की शाखा लगती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किए जा रहे हैं सरकार के। पूछना चाहूंगा कि स्कूलों के अंदर शिक्षा होना चाहिए या राजनीति? जी, स्कूल हो या अस्पताल हो या साथ की और कहीं भूमि हो, यदि वहाँ पर काम करने के लिए शासन प्रशासन में बैठे लोगों को प्रदेश का, देश का विकास करने पे बात करना चाहिए, या वहाँ पर एक अपंजीकृत संस्था जिसने आज तक देश के संविधान को नहीं माना, उसको अपना पंजीयन नहीं कराया, ऐसी संस्था वहाँ पर अपनी शाखाएं संचालित करे, जहाँ तक उचित है जी। हम इसी बात का, हम उनकी शाखाएं पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी लगाए जी, सार्वजनिक जगह बहुत सारी है जहाँ पे वो शाखाएं लगाते हैं, उनका व्यक्तिगत स्थान उनके पास में अपनी है, उसके बावजूद सार्वजनिक जगह पे लगाते हैं, लगाए कोई दिक्कत नहीं जी, मैदानों में पार्कों में लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, शासकीय ऑफिसों में, स्कूलों में, घरों में, जो शासकीय बिल्डिंग है उसके अंदर लगाए, ये कहाँ तक उचित है? जी, उस पे तो रोक लगना चाहिए, और वो हमारा प्रयास है, और वो प्रयास को पूर्णतः सफलता के साथ में हम करके दिखाएंगे। वहाँ पर स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जानी है, पढ़ाई हो, आज शासकीय बिल्डिंगों में यदि शासकीय कार्य होना है तो शासकीय कार्य हो, ना कि वहाँ किसी तरह का कोई इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जाए कि जो शासकीय कार्य में एक तरीके से फायदे का सौदा नहीं है। जी दुर्गेश जी, एक बात है इसमें, आम जनमानस के लिए, देश के लिए भी। दुर्गेश जी, इसमें बात यह भी उठती आ रही है कि जो बीजेपी है, संघ का अनुषांगिक संगठन है, बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है कांग्रेस की, तो आमना सामना हो तो कांग्रेस और बीजेपी का हो, बार बार संघ को क्यों घसीटा जाता है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। संघ को कहां घसीट रहे हैं? यदि मान लो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई गलतियां या कोई उन्होंने कोई काम ऐसे गलत किए हैं तो उस पर रोक लगाना, तो कांग्रेस आई है सरकार में तो यदि रोक लगाएगी, आज किसानों का बेचारा, गरीब किसानों ने कर्जा नहीं लिया और हजारों लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा जो है उनके नाम पे लोगों ने बैंक से उठा लिया, उसमें भी भाजपा के लिप्त लोग दिख रहे हैं, क्या अब हम उस पर कार्रवाई नहीं करें कि नहीं साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और चूंकि वो भारत सरकार में थे, और अब हम द्वेष, अब हम इसको द्वेष कहेंगे
आप चोरी करें, डकैती करें, लूट करें, धोखा दें, उस पर हम कुछ बोले नहीं, कोई नहीं बोले, पूरा जनता देश में शांत बैठी रहे, ये कौन सा औचित्य है? इन चीजों पे तो विराम लगना चाहिए साहब। निष्पक्षता के संग में देश को आगे प्रगति पे लगाना है, ना कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लुटेरे हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, उनके संचालन में चलना चाहिए। आज किसान जानना चाह रहा है कि उनके नाम पे 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो किसने उठा लिया जी। तो इसकी जांच होना चाहिए जी। इसी तरह शासकीय भूमि जो है जिस काम के लिए उपयोग में लाई जानी है उसमें वो उपयोग होना चाहिए, या भवन जो इस उपयोग के लिए है, स्कूल के लिए होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, ना कि राजनीतिक अखाड़ा। क्योंकि संघ, क्यों क्या आप कहते हो कि संघ राजनीतिक संस्था नहीं है, मानते हैं संघ राजनीतिक संस्था नहीं है, पर वे राजनीतिक संस्थाओं को संचालित तो कर रहे हैं जी। दुर्गेश जी एक बात और कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है सिर्फ एक फैसले को देखा जाए कि जिस दिन से सीएम कमलनाथ ने सत्ता संभाली, पहली बार कुर्सी पर बैठे तो पहले साइन उन्होंने जो है किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल पर किए, उसके बाद से लगातार देखने में आ रहा है कि धड़ाधड़ जो है प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है, पुलिस विभाग में कई चेंजेस किए गए, उसके बाद वंदे मातरम बंद करके उसको नए स्वरूप में लाया गया, कई योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार ने चला रखी थी उनके नाम बदले गए, और अब जो है शाखाओं पे प्रतिबंध लगाने की बात आ रही है, चुनावी साल है, ऐसे में एजेंडा समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस का कि क्या वो एकदम से जो सारी चीजों में पहले बदलाव चाहती है या जन कल्याण के लिए ऐसी कोई अभी तक कोई घोषणा या ऐसी कोई बात सामने निकल के नहीं आई कि विजन क्या है सरकार का, जनहित का है या बीजेपी को नीचा दिखा के चुनावी माहौल में जो है इस तरह के मुद्दे उछालना है। अब आप बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो भी हैं वो ये कहते हैं कि हम नाम बदलने की कार्रवाई कर रहे हैं, कहां नाम बदला, किसका योजना का नाम बदला? कोई योजना यदि गलत चल रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए जी, ये हम जरूर इस बात पे मानते हैं। जिसका कोई औचित्य प्रदेश के विकास के लिए नहीं है उसको बंद कर देना चाहिए। जो पैसा बर्बाद करके जो सिर्फ और सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करने का साधन बन गई है उसको बंद कर देना चाहिए। बाकी किसी का नाम नहीं बदला, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे योजना चल रही थी उन्हीं के नाम पे चल रही, नहीं बदला। आज अपने वंदे मातरम के आयोजन की बात करी, ठीक है वंदे मातरम के आयोजन को हमने यदि उसको भव्य बना दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया जी? आज उसमें हजारों की तादाद में जनता, देश का, प्रदेश की जनता, कर्मचारी, नेता सब लोग जुड़ के वहां पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी तो उस दिन घर में कंबल ओढ़ के सो गई, क्यों नहीं आई 1 तारीख को वंदे मातरम करने? 1 फरवरी को जी। आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को, कोई उनपे विराम और रोक तो नहीं लगाई गई थी? वे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और निकृष्ट गंदी राजनीति करते हैं। वंदे मातरम को जो हमारी शान है, जो हमारा मान है, उसको उन्होंने राजनीतिक अखाड़े में उतारा। हम तो जिस तरीके से जनता के साथ में निकले थे, जनता ने जो जिस जोश से राष्ट्रीय पर्व के रूप में वंदे मातरम गान को मनाया वो उस दिन देखने लायक था जी। तो यदि किसी चीज का स्वरूप यदि हम अच्छा करना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं, तो उसमें काय को आदमी को दर्द हो रहा भैया जी। और कोई भी ऐसी योजना नहीं बंद करी गई है जिसमें किसी का नाम हो और उसका प्रदेश को फायदा हो रहा हो। यदि नाम से भी है तो उसी नाम से वो योजना चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए, आज जब किसानों के कर्जे में हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग निकल के आ रहे हैं और उनकी ऊपर FIR होने की तैयारी हो रही है, उस पर जांच चल रही है, जांच में यदि कोई व्यक्ति आ रहा तो उसको बचाने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नए नए शुगुप्ते छोड़ रहे हैं जी। तो ये तो गलत है। आप स्वच्छता की राजनीति करें, ईमानदारी की राजनीति करें, बहुत अच्छी बात है। बाकी फिर उनका चरित्र है, अपने चरित्र अनुसार प्रस्तुतिकरण देते हैं, हमको उसमें कोई ऐतराज नहीं है। जनता सब देख रही है और आने वाला चुनाव लोकसभा का आ रहा है उसमें दिख जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर जनता के लिए हमने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दुर्गेश जी आपका। मिलन भार्गव बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन जी, जिस तरह की प्रतिबंध लगाने की बात आ रही है संघ की शाखाओं पे, क्या कहना है आपका? देखिए इनकी तो नीयत ही ऐसी है, जब इनकी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लाखों लोगों को इमरजेंसी के नाम पर जेल में बेवजह ठूस सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं साहब। ये तो पाकिस्तान में जाके मोदी को हटाने की मांग कर सकते हैं, भारतीय सेना को गली का गुंडा कह सकते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो देश का मान बढ़ाया है उसको फर्जी कह सकते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए देश के संविधान मायने नहीं रखता, इनके लिए संवैधानिक संघीय ढांचा मायने नहीं रखता। ये तो सिर्फ चाहते हैं कि यदि
भारत की गद्दी पर और संवैधानिक व्यवस्था में कोई मुखिया रहे तो कांग्रेस और गांधी परिवार का रहे, उसके अलावा देश का कोई भी ये ओरिजिनल व्यक्ति जो यहाँ का रहने वाला है, नागरिक है, वो यदि गद्दी बैठ जाए तो उनके पेट में दर्द होता है। और इसी प्रकार ये जो राजनीतिक से किसी का तरह का वास्ता नहीं रखता ऐसा संगठन जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की परिचय बार बार देश में दे चुका है, उस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो देशद्रोह कहीं ना कहीं प्रवृत्ति है वो सबके सामने लाने में प्रयास होता है। मिलन जी, एक बात और है, बहुत ही ज्यादा वक्त बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में, ऐसे वक्त पे जो है कहीं से कहीं तक भी मध्य प्रदेश में या देश में ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आ रही, ना बीजेपी की तरफ से ना विपक्षियों की तरफ से, कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर जो है संजीदा है या उसमें उनकी रुचि है, एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में ही दोनों ही दल मुब्तिला हैं। एक गठबंधन की राजनीति में विश्वास रखता है कि गठबंधन करके बीजेपी को हम जो हैं सत्ता से बेदखल करेंगे तो बीजेपी भी जो है वो अपनी तरीके से जो है इनका जवाब दे रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक जनहित के मुद्दे कहीं से कहीं तक भी इस पूरे चुनावी साल में दिखाई नहीं दे रहे दोनों तरफ से, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि राजनीति में सबको मौका मिलना चाहिए, जनता अपने हिसाब से मौका देती है, प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में अच्छे काम किए, किसी भी एक अच्छे काम में सहभागिता यदि विपक्ष की रही हो तो आप बता दीजिए। देखिए, स्वच्छता जैसा जो विषय है, गैर राजनीतिक विषय है, उससे राजनीति में किसी को फायदा नहीं होगा लेकिन देश को फायदा होगा। स्वच्छता में जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकता है, क्या राहुल गांधी इस देश को स्वच्छ बनाने में झाड़ू नहीं उठा सकते थे? क्या सोनिया गांधी इस देश को स्वच्छ बनाने में अपनी सहभागिता नहीं दिखा सकती थी? लेकिन नहीं, दुर्भाग्य है, क्योंकि उनको लगता था कि इससे इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, उन्होंने देश के हर मुद्दे पर ये कहीं ना कहीं विद्रोह का जो रूप और अलापा है ये दिखता है कि देश के हित नहीं चाहते, ये राजनीति में गद्दी में बैठना चाहते, ये मोदी का विरोध करते करते कहीं देश का विरोध करने लगे, इस प्रवृत्ति तक ये उतर चुके, तो कहां इनसे अपेक्षा करेंगे? ये तो हम राजनीति के गिरते स्तर में सबसे बड़ी यदि किसी की भूमिका है तो कांग्रेस पार्टी की है। बार बार देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, देश को अपमानित करते हैं, कौन से ऐसी प्रमुख बात है? आपकी तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कोई स्टैंड अभी फिलहाल देखने में नजर नहीं आ रहा कि जो चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, उनमें जनहित की कोई बात हो, जनहित का कोई मुद्दा हो, या जिसको लेकर आवाम के सामने जब आप जाएंगे, रैली करेंगे, सभा करेंगे, तो क्या बताएंगे कि कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया, कांग्रेस ऐसा करती है, उस पर जो है आरोप लगा करके इस तरीके से जन समर्थन हासिल करेंगे, या अगली बार हमारी सत्ता आती है या हम सत्ता में वापस आते हैं दोबारा तो हम आपके लिए अभी तक इतना किया और करेंगे, या जितना नहीं हो पाया बाकी रह गया है उसकी भरपाई करेंगे, ऐसी जनहित की कोई बात आपकी तरफ से भी नहीं आ रही? गुलाती हमारे प्रधानमंत्री मन की बात जब करते हैं, मंच से भाषण देते हैं या देश की जनता को संबोधित करते हैं तो अपने किए कार्यों को जरूर याद कराते हैं और बताते हैं कि उनका विजन क्या है देश के प्रति और देश में किस प्रकार की प्रशासनिक और देश की सहभागिता होने चाहिए, बार बार इस बात को बल देते हैं। देखिए, हम कभी भी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखते जो विरोधाभास की हो, द्वेष भावना से भरी हो, जो राजनीति में इतने निचले स्तर तक चली जाए कि आदमी मिलन जी क्या है, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है समाप्त हो रहा, आखिरी टिप्पणी, कांग्रेस जिस तरह से यदि संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी करती है तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विरोध करेगी, ये गैर लोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा होगा, जो एक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक संगठन है यदि उस पर बैन लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और मजबूत विपक्ष क्या होता है ये मध्य प्रदेश की सरकार को चेताया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे बीजेपी के मिलन भार्गव, जो बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस जो है उस राजनीति उसकी जो है सिर्फ लांछन लगाने वाली है, कांग्रेस भी जो है संघ पर निशाना साधकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो है वो कर रही है। चुनावी साल है लेकिन मुद्दे किसी के पास नहीं है एक दूसरे पर वार और पलटवार करने के। खास खबर में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कार्यक्रम के पहले जब थे पेट
सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।